जय हिंद गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं काजल शर्मा, स्वागत है आपका क्लासेस कैंपस पर, जहां मैं लेकर आती हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइस, आज डेट हो चुकी है 29th ऑफ अगस्त 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशन कोट के साथ, जो है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। जी हाँ गाइस, खुद पर विश्वास रखने से ही हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं, दूसरों के बहकावे में न आकर अपनी हम मंजिलों को न पा सकते हैं। तो गाइस, इसीलिए खुद पर विश्वास रखिए और अपनी सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते जाइए। तो गाइस, आज का अगर आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन बना है, जो है, हाल ही में कौन 200 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति का आंकड़ा छूने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। तो वो हैं गाइस जेफ बेजोस जी। जेफ बेजोस जी 200 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति को छूने वाले पहले, दुनिया के पहले व्यक्ति यानी कि सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। कौन? जेफ बेजोस जी, जो हैं अमेज़ोन के मालिक, ओनर ऑफ अमेज़ोन, जो है अमेज़ोन के मालिक, जिनकी कंपनी है अमेज़ोन। तो गाइस, अमेज़ोन क्यों क्यों बन गए हैं ये इस कोविड-19 में, जबकि सबके बिजनेस ठप हो रहे हैं, सबके बिजनेस गिर रहे हैं, क्यों बन गए हैं कोविड-19 में दुनिया के सबसे अमीर आदमी? तो गाइस, जो जो अमेज़ोन कंपनी है, वो आपको मालूम है ऑनलाइन मार्केट का काम करती है। तो गाइस, जो जो अमेज़ोन कंपनी है, उसमें क्या होता है कि जो ऑनलाइन मार्केट है, जो अब लोगों ने लॉकडाउन के टाइम पे सब ने किससे शॉपिंग की है, वो अमेज़ोन से ही शॉपिंग की है। इसलिए जो इनका व्यापार है वो 2.3% की दर से इंक्रीज़ हो गया है। इसलिए ये इनका जो व्यापार है इतना बढ़ गया है, किस वजह से? क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से। तो गाइज, इसलिए जो अमेज़ोन है, उसके अमेज़ोन के मालिक जेफ बेजोस जी हैं, उनकी जो संपत्ति है 200 अरब अमेरिकी डॉलर की से बढ़कर, यानी कि 200 में इससे बढ़कर भी 206 अमेरिकी डॉलर हो गई है। 206 के करीब इनकी क्या हो गई है? अमेरिकी डॉलर इनकी संपत्ति हो गई है। तो ये आपको याद रखना है। और सेकंड नंबर पर कौन है? सेकंड नंबर पर है बिल गेट्स। ठीक है, तो ये हैं जेफ बेजोस जी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है, हाल ही में A.R. लक्ष्मण का निधन हो गया। ये थे, तो गाइज, ये थे जो A.R. लक्ष्मण थे, ये कौन थे? तो सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश थे, जिनका निधन हो गया है। और साथ ही ये कहाँ के? ये राजस्थान और आंध्र प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के क्या थे? ये राजस्थान और आंध्र प्रदेश के चीफ जस्टिस भी रह चुके थे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके थे। और इसी के साथ यह विधि आयोग, लो कमीशन के क्या रह चुके थे? अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो गाइस, आपको याद रखना है कि जो लो कमीशन है, इसके अध्यक्ष भी रह चुके थे और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे, और राजस्थान और आंध्र प्रदेश के ये क्या थे? ये चीफ जस्टिस भी रह चुके थे। तो गाइज, ये हैं A.R. लक्ष्मण जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो गाइज, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, आपसे पूछा जा सकता है। तो गाइज, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है, हाल ही में किस गेंदबाज ने T20 में 500 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है? तो गाइज, वो हैं ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो ने क्या किया है? T20 में 500 विकेट लेकर इतिहास रचा है, जो है ड्वेन ब्रावो जी ने। ठीक है, इस आपको याद रखना है। और ये हैं ड्वेन ब्रावो, जिन्होंने इतिहास रचा है। तो गाइस, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है, हाल ही में किस राज्य में पुली कली नृत्य का आयोजन किया गया है? जो है केरल, केरल में पुली कली नृत्य का आयोजन किया गया है। तो गाइस, जानते हैं पुली कली नृत्य के बारे में। तो गाइस, पुली पुली का मतलब होता है टाइगर, पुली का मतलब होता है टाइगर, और कली का मतलब होता है डांस। पुली का मतलब होता है टाइगर और कली का मतलब होता है डांस, जो कि केरल में है, केरल का एक फेस्टिवल है। तो ये क्या होता है? टाइगर डांस, यानी कि इसमें क्या होता है इस पुली कली फेस्टिवल में, कि जो लोग हैं वहाँ पर, वो टाइगर बन बनकर, देखिए गाइस, टाइगर बन बनकर डांस करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पुली कली फेस्टिवल। तो टाइगर डांस किया जाता है इसमें, टाइगर बन के लोग इसमें डांस करते हैं, इसलिए इसको किया जाता है, पुली कली नाम दिया गया है। और यह कौन से जो वहाँ का ओणम फेस्टिवल जो है, उसके अंदर यह काम, यह जो फेस्टिवल है, ये बनाया जाता है ओणम फेस्टिवल के अंदर, यह डांस किया जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है,
हाल ही में कोविड-19 की विभिन्न वैक्सीन का ट्रायल चर्चा में है। निम्न में से कौन सी वैक्सीन फाइनल सरकारी अनुमति प्राप्त करने वाली विश्व की पहली वैक्सीन बनी है? तो गाइस, सरकारी अनुमति प्राप्त करने वाली पहली वैक्सीन है विश्व की, कौन है वो? स्पुतनिक 5, जो कि आपको मालूम है रशिया की यह वैक्सीन है, ठीक है, जहाँ के व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति हैं। तो गाइस, स्पुतनिक 5 को सरकारी अनुमति प्राप्त करने वाली विश्व की पहली वैक्सीन बनी है, ठीक है, इस तो आपको याद रखना है। और इसी के साथ जो हमारे देश की जो पहली वैक्सीन बनाई गई है वो है कोवैक्सीन, जो भारत बायोटेक कंपनी के द्वारा बनाई गई है, यानी कि वो अभी फेज ट्रायल में चल रही है, ट्रायल फेज में चल रही है। और जायकोव भी हमारे देश की वैक्सीन है, जो कोविशील्ड है वो किसकी है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है, लेकिन भारत सीरम इंस्टीट्यूट में इसकी टेस्टिंग की जा रही है। तो चलिए बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में निम्न में से कौन सा मामला SC/ST श्रेणी के उपवर्गीकरण से संबंधित है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने पुनर्विचार के लिए जरूरी बताया है? तो गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने SC/ST श्रेणी के उपवर्गीकरण से संबंधित एक फैसला दिया था, जिसमें अब पुनर्विचार की बात की जा रही है। तो कौन सा फैसला था वो? ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश, ईवी चिनैया वर्सेस आंध्र प्रदेश का यह मामला था, जिसमें कहा गया था कि जो 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 कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि जनरल होती है, SC, ST और OBC होते हैं, जनरल SC, SC एंड OBC, ये जो कास्ट, ये जो कैटेगरीज होती हैं इनकी जो, ये तो ये क्या होते हैं, ये कैटेगरीज होते हैं, इनकी जो सब कैटेगरीज होती हैं उनका अधिकार किसको नहीं है? राज्य सरकार को नहीं है, राज्य सरकार को नहीं है उनके उपवर्गीकरण करने का, सब क्लासिफिकेशन करने का राज्य सरकार को अधिकार नहीं है। तो गाइस, इसलिए जो अब न्यूज़ में आई है, ये क्यों आई है, 2004 का यह मामला था और अब न्यूज़ में क्यों आई है? क्योंकि अब एक 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, किसकी अध्यक्षता में? तो अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में, अरुण मिश्रा की अध्यक्षता में यह बनाई गई है एक कमेटी, जिसमें कहा गया है कि आपको आपके इस फैसले पर आपको पुनर्विचार करना पड़ चाहिए, सुप्रीम कोर्ट से कहा है, 5 सदस्यीय बैठ जो बेंच है उसके द्वारा। तो गाइज, यह अब न्यूज़ में है यह चर्चा, इसलिए आपको याद रखना है, ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश। तो चलिए बढ़ते हैं गाइज नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में सांस्कृतिक मंत्रालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के 7 नए सर्किलों की घोषणा की है। इन सर्किलों में से कौन सा सर्किल उप सर्किल से पूर्ण विकसित सर्किल बन गया है? तो गैस, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, कि जो सांस्कृतिक मंत्रालय है उसके जो भारतीय पुरातत्व विभाग है उसका, उसमें 7 नए सर्किलों की घोषणा की गई। तो 7 सर्किल जो हैं, क्या होते हैं ये सर्किल्स? तो गाइस, इनका काम होता है, जो सर्किल्स होते हैं, जो पुरातत्व जो बिल्डिंग्स होते हैं, जो हमारे ऐतिहासिक जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी रक्षा करना, उनको कंजर्व करना, सुरक्षित रखना, उनका सर्किल्स का काम होता है ये, ठीक है। सो आर्कियोलॉजिकल साइट्स को कंजर्व करना, सेव करना, सिक्योर रखना, तो सर्किल्स का काम होता है ये। तो गाइस, ये हेडक्वार्टर्स की तरह हैं सर्किल्स। तो 7 और नए सर्किल्स की क्या की गई है, बात की गई है बनाने की। तो अब भारत में टोटल कितने सर्किल्स हो गए हैं? 29 सर्किल्स हो गए हैं। और जो अपूर्ण सर्किल से पूर्ण विकसित का सर्किल बन गया है वो कौन सा है? हम्पी का सर्किल है, हम्पी का सर्किल है जो अब अपूर्ण से पूर्ण सर्किल बन गया है। तो गाइस, जो ASI है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसकी स्थापना आप जान लीजिए कि 1861 में इसकी स्थापना हुई थी और कनिंगम के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और सांस्कृतिक मंत्रालय के अंडर आता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है। तो गाइस, आपको याद रखना है। और जो सांस्कृतिक मंत्रालय मंत्री हैं हमारे, वो कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल हैं, प्रहलाद सिंह पटेल हैं इसके मंत्री। तो गाइस, ये 7 जो सर्किल्स बने हैं वो कौन कौन से हैं? जबलपुर, जबलपुर में बना है जो मध्य प्रदेश में है, त्रिची में बना है जो तमिलनाडु में है, झांसी और मेरठ जो कि उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 2 सर्किल बनाए गए हैं। और तो पूछा जा सकता है आपके कौन से स्टेट में 2 सर्किल्स बनाए गए हैं, ठीक है, सो उत्तर प्रदेश है। तो हम्पी कर्नाटक और रायगंज पश्चिम बंगाल और राजकोट गुजरात में नए सर्किल्स बनाए गए हैं, ठीक है। सो ये 7 सर्किल्स हैं जो बनाए गए हैं। और जो हम्पी का, जैसे कि हम्पी का न्यूज़ में है, तो गाइस जो हम्पी है वो हमारे 50 के नोट पर जो उसका चित्र बनता है, जो चित्र मिलता है 50 के नोट पर, वह हम्पी का चित्र है, आपको याद रखना है, ठीक है। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए,
जो है हाल ही में किसे दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो है गाइस जाकिर खान को दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जो आपको याद रखना है, दिल्ली अल्पसंख्यक जो आयोग है उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो माइनॉरिटी एक्ट जो 1999 में आया था उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। कितने साल के लिए? 3 ईयर्स के लिए इनको बनाया बनाया जाता है। और इनके जो मेंबर होते हैं वो 1+3 होते हैं। 1+3 होते हैं, एक हेड होते हैं वह दूसरे दो अदर मेंबर्स होते हैं। तो किनके द्वारा इनको अपॉइंटेड किया गया है? वो है उपराज्यपाल जी के द्वारा इनको क्या किया गया, अपॉइंट किया गया है। तो ये हैं जाकिर खान जिनको बनाया गया है अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो है हाल ही में किस तेज गेंदबाज ने टेस्ट में 600 विकेट पूरे किए हैं तथा ऐसा करने वाले विश्व के इकलौते तेज गेंदबाज बन गए हैं। तो गाइस जेम्स एंडरसन ने क्या किया है, ये विश्व के तेज गेंदबाज में ने टेस्ट में 600 विकेट रन पूरे किए हैं। जो विश्व के तेज गेंदबाज हैं और उन्होंने टेस्ट में 600 विकेट पूरे किए हैं, तो ऐसा करने वाले विश्व के इकलौते गेंदबाज बन गए हैं। कौन? जेम्स एंडरसन, जो है कहाँ के, इंग्लैंड के प्लेयर हैं, ठीक है। और किसके किसको हराया है इसने अपने लास्ट विकेट में? तो वो है कौन, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अजहर अली को इन्होंने हराया है। तो गाइस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में उड़ान 4.0 उड़े देश का आम नागरिक 4.0 योजना के तहत कितने नए हवाई मार्गों को उड्डयन मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? तो गाइस जिसका आंसर है 78 ऐसे जो हवाई मार्ग हैं उनको उड्डयन मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। तो गाइस आपको यह देखना है कि जो उड़े देश का नागरिक है तो उड़ान उड़ान के अंदर आते हैं ये उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। इसको आपको याद रखना है कि यह उड़ान जो जो फैसिलिटी है वो 2017 से शुरू हुई थी और रीजनल कनेक्टिविटी के लिए शुरू की गई थी। यानी कि जो हर इंसान है, जो आम से आम इंसान है, वो भी हवाई हवाई यात्रा कर सके और एंजॉय कर सके, इसलिए ये उड़ान जो जो यह जो सेवा है उड़ान की सेवा है उड़े देश का आम नागरिक है, यह 2017 में चालू की गई थी। तो चलिए गाइस दिए थे आज के हमारे टोटल क्वेश्चंस और देख लेते हैं लास्ट वीडियो का क्वेश्चन जो था, वर्ली पेंटिंग से संबंध किस राज्य से है जो हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के कार्यालय की शोभा बढ़ा रही है? तो गाइस आपको मालूम है महाराष्ट्र के से यह इसका संबंध है। तो गाइस देख लेते हैं नेक्स्ट जो जो क्वेश्चन फॉर यू है, जो है हाल ही में किस देश ने किसानों को ऋण देने के लिए सैटेलाइट तस्वीर के माध्यम से आकलन करने की पहल शुरू की है? जिसका आंसर आपको गाइस कमेंट सेक्शन में करना है।